हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके बेटा, आई एम ऑल्सो फाइन। सो वेलकम अगेन टू ऑनलाइन एसएसटी क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी रीड द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 16 इज मीन्स ऑफ ट्रेवल। सो इन द टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके स्टूडेंट, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन यू नीड टू ओपन योर बुक पेज नंबर 671। एवरीवन ओपन योर बुक पेज नंबर 71। ओके, एंड फर्स्टली एक्सरसाइज इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर दिस आपको क्या करना है, एक आंसर चूज करना है जो करेक्ट है, और आपको आपके क्वेश्चन में ब्लैंक दिया हुआ है, ओके उसमें आपको फिल करना आंसर। सो फर्स्ट इज ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ है, ब्लैंक इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ब्लैंक इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो उसका इम्पोर्टेंट जो मीन्स है, मीन्स जो साधन है वो क्या है रोड ट्रांसपोर्ट का, जो रोड पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं, साधन चलते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स जो है वो कौन सा है। सो फोर ऑप्शन आर गिवन, फर्स्ट इज बस, सेकंड इज बोट, थर्ड इज शिप एंड फोर्थ इज एरोप्लेन। सो यू ऑल नो बोट एंड शिप आर रनिंग ऑन द वाटर। वाटर के क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, एंड एरोप्लेन इज ए एयर ट्रांसपोर्ट, एंड बट ओनली बस इज ए रोड ट्रांसपोर्ट। सो इम्पोर्टेंट जो होगा इसमें मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, विच इज द ए ऑप्शन इज राइट। सो इन द ए यू राइट हियर यू बस। ओके, टेक ए ऑप्शन एंड राइट बस इन द ब्लैंक ऑल्सो। एंड नाउ कम ऑन द सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज डैश इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो इसमें ब्लैंक दिया हुआ है, इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कि कौन सा इम्पोर्टेंट मीन्स है वाटर ट्रांसपोर्ट का। सो बस, फर्स्ट ऑप्शन इज बस, सेकंड इज बोट, थर्ड इज ट्रेन एंड फोर्थ इज एरोप्लेन। सो वाटर ट्रांसपोर्ट में बस रनिंग ऑन द रोड रोड ट्रांसपोर्ट है, एंड ट्रेन इज ऑल्सो रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रैक पे चलती है, लैंड ट्रांसपोर्ट है ये, एरोप्लेन इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो बोट इज रनिंग ऑन द वाटर, सो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा। राइट आंसर इज बी, बोट। सो यू टेक ऑन द बी ऑप्शन एंड योर ऑप्शन बी इज बोट, एंड यू राइट बोट इन ब्लैंक ऑल्सो। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ट्रेन आर द मीन्स ऑफ ब्लैंक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन जो है वो कौन से परिवहन का साधन है, लैंड, वाटर या एयर। सो वाटर एयर लैंड नन ऑफ दिस। सो वाटर पे चलता है जो ट्रेन होता है वो वाटर में चलती है, नो, एयर में नो, लैंड पर यस, और फोर्थ एंड नन ऑफ दिस मीन्स इनमें से कोई नहीं। यस, ट्रेन जो होती है वो कहाँ चलती है, लैंड पे चलती है। ट्रैक कहाँ बना होता है, लैंड पर, तो लैंड का ट्रांसपोर्ट है ये। सो विच ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, यू टेक ऑन द लैंड एंड राइट लैंड इन ब्लैंक ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, सो योर ए एक्सरसाइज इज नाउ, नेक्स्ट बी आंसर इज क्वेश्चन। सो कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, answer these questions. So first question is, question first is, why do we need means of transport means यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें यातायात के साधन की क्यों जरूरत होती है। व्हाई डू वी नीड, वी नीड, सो आंसर इज बिकॉज यू कैन राइट, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम टू ट्रेवल मीन्स यात्रा करने के लिए, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। एंड अदर इज
और किसके लिए जरूरत होती है, एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स मीन्स माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट गुड्स मीन्स माल, गुड्स मीन्स माल, जो माल जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, और हमें ट्रैवल करने के लिए मीन्स यात्रा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वी नीड टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ एनीवन आस्क्ड टू यू व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो यू रिप्लाई वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स, माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हमें ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू इज नेम द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेम द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको क्या बताने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे यातायात के साधन जो थे, थ्री मीन्स बताने, मीन्स तीन तरीके की बताने। सो थ्री मीन्स कौन से, थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, वन इज लैंड, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज एयर। ओके, लैंड, वाटर एंड एयर आर द मीन्स ऑफ, थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये यातायात के तीन साधन है, लैंड के, वाटर पर चलने वाले और एयर पर रन करने वाले। सो दीज आर द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अंडरस्टूड द आंसर? ओके, सो गुड बेटा, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज ए सबमरीन, सबमरीन, व्हाट इज अ सबमरीन, सबमरीन को मैंने बताया था आपको, हम पनडुब्बी भी बोल सकते हैं। यस, इसको क्या बोल सकते हैं, पनडुब्बी भी बोल सकते हैं। सबमरीन क्या होती है, एक वाटर क्राफ्ट होता है, मीन्स जलयान है, जो कि कहाँ रन करती है, बीच मूव अंडर वाटर, जो पानी के अंदर मूव करती है। सो अ सबमरीन, सो योर आंसर इज अ सबमरीन इज अ वाटर क्राफ्ट मीन्स जलयान, वाटर क्राफ्ट मीन्स जलयान है, विच मूव, जो कहाँ मूव करती है, विच मूव अंडर वाटर, जो पानी के अंदर मूव करती है, अंडर वाटर। ओके, पनडुब्बी जो है सबमरीन, जो पनडुब्बी एक जलयान है जो कि पानी के अंदर मूव करती है। ओके, पानी के ऊपर नहीं करती, वो पानी के ऊपर लेयर पर नहीं करती, वो पानी के अंदर मूव करती है। यू कैन सी इन योर बुक डायग्राम आर गिवन ऑफ सबमरीन, सो यू कैन सी इन डायग्राम ऑल्सो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, आपका फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेंशन एनी थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी। आपको क्या करना है, मेंशन करना है, एनी थ्री रूल्स, थ्री इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी। आपको रोड सेफ्टी की कोई भी थ्री इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो मेंशन करने। सो स्टूडेंट्स,
अब जैसे मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे हमारे रोड सेफ्टी के, सो दीज आर, सो फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. पेवमेंट मीन्स क्या होता है? फुटपाथ. हमें हमेशा कहाँ चलना होता है? फुटपाथ पर. अगर हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, यस ऑन मतलब अपने पैरों पर चल रहे हैं, मीन्स व्हीकल्स में नहीं है पैर, तो हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स इज ऑलवेज वॉक वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. मीन्स हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए. हमें शुड मीन्स चाहिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा. हमें क्या करना चाहिए? वॉक ऑन द पेवमेंट. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. ओके सो सबसे पहले आपको क्या रिमेम्बर रखना है? हमेशा आपको फुटपाथ पर चलना है. नेक्स्ट आपका होगा ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. ओके हमें कैसे चलना चाहिए? वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमें हमेशा रोड की लेफ्ट साइड में चलना चाहिए. सो स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि यू ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ओके हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स जो है उसे फॉलो करना चाहिए. जो आपका ट्रैफिक रूल्स होता है उसको, जैसे ट्रैफिक साइन जो होते हैं, यस ट्रैफिक लाइट्स होती है, वो उनको देख करके हमें रोड क्रॉस करना है. ऑलवेज रिमेम्बर यू शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. सो थ्री इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर रोड सेफ्टी, फर्स्टली यू ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट्स, हमेशा फुटपाथ पर चलोगे. ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. ओके यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है. ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट रूल्स है रोड सेफ्टी के. अगर ये सब आप फॉलो करोगे तो आप रोड पर सेफ रहोगे. ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नाउ नेक्स्ट इज नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72. On the page number 72, there two pictures are given. So, see exercises, identify and name these. So, two pictures are given. So, you see in your book, first picture. Okay? In your book, first picture are given like this. Okay, which picture is this? This is helicopter. Okay? Ye kya hai? Helicopter. And second is, second picture is cycle rickshaw. So, in front of first picture you write helicopter, okay, and in front of second picture you write cycle rickshaw. So in front of first you write helicopter and second cycle rickshaw. So first helicopter and second picture is साइकिल रिक्शा. ओके सो स्टूडेंट्स साइकिल रिक्शा. नाउ डी इज थिंक एंड आंसर. डू यू थिंक ट्रैफिक सिग्नल और रोड इज इम्पोर्टेंट? क्या आप सोचते हो कि ट्रैफिक सिग्नल है रोड पर वो इम्पोर्टेंट है? गिव रीजन, उसका रीजन बताना आपको. सो व्हाई यू थिंक ट्रैफिक सिग्नल इज इम्पोर्टेंट फॉर रोड सेफ्टी? यस ट्रैफिक सिग्नल क्या क्यों इम्पोर्टेंट है रोड पर? क्योंकि अगर हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, यस अगर हमें सेफ रहना है रोड पर, तो हमें क्या करना है? ट्रैफिक सिग्नल
के रूल्स फॉलो करने हैं। सो ट्रैफिक सिग्नल्स होता है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था ना। रेड लाइट से स्टॉप, येलो लाइट से वेट, ग्रीन लाइट से गो। सो उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर रेड लाइट आपको सिग्नल दिया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल, और आप जा उस वहां से रोड क्रॉस कर रहे हो, सो इट्स अ क्या होगा, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। सो आपको ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट ये सोचना है, और इसका आंसर हम आपकी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आपका ई एक्सरसाइज सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक में क्लूज दिया हुआ है, जो आपकी बुक में क्लूज बनाया हुआ है, दैट इज इन दिस समथिंग इज रॉन्ग, सो हम अलग से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द आपका जो हेल्प दिया हुआ है, हेल्प बुक्स दिया हुआ है, गिवन क्लूज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा जो आपका क्रॉसवर्ड है वो प्रिपेयर करेंगे। सो ही इज स्टूडेंट्स ए क्रॉस वन जो दिया हुआ है फर्स्ट में आपका क्या है, सिप ऑफ द डेजर्ट। सो आपका फाइव लेटर्स का क्या है, एक आपके यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर टू। ओके, सो सिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, कैमल को। सो व्हाट यू राइट हियर, कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, सिप ऑफ द डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। अब आपका सेकंड आपका दिया हुआ है अक्रॉस, जो कि क्या है, लेफ्ट टू राइट है, अक्रॉस में क्या दिया हुआ है, सो इन द फोर्थ दे आर गिवन, सो टू कैरी गुड्स, माल को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या सबसे अच्छा व्हीकल्स है, ट्रक, टी आर यू सी के, ट्रक। ओके, सो व्हाट यू राइट इन फोर्थ, ट्रक। आपका फिफ्थ है यूज टू ट्रेवल ऑन वाटर, सो आपको क्या करना है, नंबर फिफ्थ, ओके, सो नंबर फिफ्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए। ओके, सो आपको क्या करना है इसमें, यूज टू ट्रेवल ऑन वाटर, वाटर पर ट्रेवल करने के लिए यूज में लेते हैं, तो फोर लेटर का जो होगा इसमें थर्ड नंबर पर ए आई, सो दैट इज बोट, बी ओ ए टी, बोट। ओके, एंड आफ्टर दिस डाउन, अप टू डाउन दिया हुआ है, सो यूज टू ट्रेवल इन एयर, एयर में ट्रेवल करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, सो ए से स्टार्ट होगा, सो ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। ओके, व्हाट वी यूज, एरोप्लेन। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ थर्ड, यूज फॉर गोइंग टू बस, यूज टू गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए आपका थर्ड अलग से दिया हुआ है, एंड बी, सो बस, आप स्कूल आने के लिए क्या यूज में लेते हो, कुछ स्टूडेंट होते हैं नियर बाय से आते हैं, वो ऑन फुट आते हैं, मिस अपने खुद से आ जाते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ के पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं, दे यूज बस टू कम टू स्कूल। ओके, स्कूल आने के लिए वो बस यूज में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको अपना क्रॉसवर्ड बनाना है, आपके बुक में दिया उसके से डिफरेंट बनाया मैंने, क्योंकि बुक में जो दिया था उसमें थोड़ा मिस्टेक था, तो आपको अपनी बुक में इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर क्लूज। ओके, सो यू फिल ए चूज द करेक्ट आंसर इन योर बुक एंड आंसर दिस क्वेश्चन डू इन योर फेयर नोटबुक। All answers, all questions read very carefully and write their answer. Okay, and exercise C is also fill in your book and E is also fill in your book and draw in your book. ये आपको बनाना, make करना है and then fill it in your book. And D आपका question जो है think and answer, वो आपको क्या करना है,
थिंक करना, उसके ऊपर विचार करना है, सोचना है कि आपके लिए ट्रैफिक सिग्नल जो होता है रोड पर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट होता है वो, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये आपको इसके बारे में आपको सोचना है और इसका डिस्कस हम हमारी लाइव क्लास में देखेंगे करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो यू ऑल सी द वीडियो वेरी केयरफुली, सी ओके रीड द ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड सी आंसर ऑल्सो. ओके एंड आफ्टर दैट यू विल कम एंड ज्वाइन योर लाइव क्लास, वी विल डिस्कस योर डाउट्स इन आवर लाइव क्लास. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.